अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुक टू ईट में खुश आमदीद। आज हम आपको बता रहे हैं फ्रूट चाट, जो कि बहुत नहायत ईजी और बहुत अच्छी सेहत बख्श है। ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके लिए हमने बनाना लिए हैं, एप्पल लिए हैं ग्रीन कलर के, ये अमरूद लिए हैं, ये लेमन है, और ये चाट मसाला और ब्राउन शुगर है, ये चीनी है, काली मिर्च है, नमक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने बनाना काटे हैं 5, ये एप्पल से 3, हमने ये 2 के अच्छी तरह इनको छीला है, फिर इनमें से बीज निकाले हैं। ये अमरूद है, अमरूद के हमने छिलके नहीं उतारे क्योंकि ये गज़ाइयत से भरपूर होते हैं। और आइए हम अब इनको एक बाउल लेते हैं, अब इनको काटते हैं। आपको जो भी फल फ्रूट चाट के लिए मुनासिब मौसमी मिल जाए तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह हमने सब बनाना को काट लेना है। ये हमने 3 बनाना काट लिए हैं, ठीक है। अब हम एप्पल है वो काटेंगे, 2 बनाना हमने छोड़ दिए हैं। हम सारा फ्रूट एकदम नहीं काटेंगे, ये ऊपर से हम बाउल में तेल लगाते जाएंगे। ये हमने पहले बनाना काटे हैं, ऊपर एप्पल की तेल लगाई है। हाँ, ये देखिए, हमने पहले बनाना काटे हैं, नीचे 3 बनाना हमने नीचे रखे हैं, ऊपर 2 एप्पल रखे हैं। अब हम अमरूद की तेल लगाएंगे। ये सारे एकदम फ्रूट्स नहीं डालें, थोड़े थोड़े करके डालें। फिर इनकी एक लेयर जिस लग जाएगी और उससे इसका टेस्ट ज़रा दुबाला हो जाएगा। ये देखें, अब हमने अमरूद की लेयर लगाई है, अब हम ये बनाना की लेयर फिर लगाएंगे दोबारा। अब हम इसके ऊपर एप्पल की लेयर लगाएंगे। इस तरह आप सारी लेयर लगाते जाएं, बिल्कुल इकट्ठा न मत काटें, इस तरह इसका टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है और ना ही इसको इस तरह मिक्स करें जैसे आम लोग मिक्स कर देते हैं, फिर इसके टेस्ट में ज़रा चेंजिंग हो जाएगी। ये एंड में अमरूद की लेयर लगाएं, अगर आपको ग्रेप्स या कोई और फ्रूट मिलता है तो वो भी आप लेयर स्टेप बाय स्टेप काट के लगा सकते हैं लेयर की सूरत में। ये देखिए, अब हमने लेयर लगा दी है। इसके ऊपर हमने 2 अदद लेमन जूस वो डाला है। ये हमने मैंगो जूस लिया है, ये हम सारा पैकेट इसमें डालेंगे, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम काली मिर्च डालेंगे, जो हमने 1/2 चम्मच ली है। ये ब्राउन शुगर है 1/2 टीस्पून, और ये नमक है। और ये चीनी है, जो लोग चीनी नहीं डालना चाहते वो ना डालें। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, फिर हम यूज़ करके देखेंगे। हो गया हमने 1 घंटा फ्रिज में। अब हम इसको गार्निश के लिए इसमें ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखो,
ये लाइक और शेयर करें, आपको पसंद आएगा बना के, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। अब इसको गार्निश किया है हमने, ये देखें। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसका फ्लेवर ठंडा हो चुका है, ये बहुत मज़ेदार ये देखिए। इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं और फ्रूट चाट भी है। लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।